संसद में हंगामा करने का मामला आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी महेश को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दलील हुई है, महेश ने ललित के साथ मिलकर बताया जा रहा है कि मोबाइल नष्ट किए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हर मीटिंग में आरोपी महेश मौजूद रहता था। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये सारी बातें सामने निकलकर आई हैं और उन्होंने कहा कि संसद में हंगामा करने के मामले में छठा आरोपी महेश कुमावत है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है महेश कुमावत को। आरोप ये है कि इससे पहले जानकारी सामने निकल कर आई थी कि मुख्य आरोपी ने मोबाइल को नष्ट किया था ताकि सबूत सामने ना आ सके। छेड़छाड़ का सबूतों से आरोप भी लगा। अब बताया जा रहा है कि महेश कुमावत भी इसमें संलिप्त था। डिडवाना से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आनंद पाल के भाई को सजा हुई है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल को सजा सुनाई गई है। तो रुपेंद्र पाल और चाचा दामोदर को सजा 2 साल की सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिडवाना के ACJM कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। राजकार में बाधा और बदसलूकी के मामले में सजा सुनाई गई है। तत्कालीन IPS दीपक यादव से बदसलूकी का मामला है और राजकार में बाधा डालने का भी आरोप है। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो डिडवाना से है। आनंद पाल सिंह के चाचा दामोदर सिंह को भी सजा सुनाई गई है। ACJM नीलम मीणा ने यह फैसला सुनाया है। महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद पाल के भाई को सजा सुनाई गई है और चाचा को। डिडवाना के ACJM कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है।